we are back to another video from the album. So, six track है जिसका नाम है बस्ती का हस्ती from MC's 10th album इंसान. So, जो जो चैनल पे न्यू चैनल को करें सब्सक्राइब. हम जाते हैं सॉन्ग और चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या लेके आ रहे हैं MC's 10th. Let's go. Wow, beat मज़े. हस्ती ब्रो आ गए ले भाई लोग कभी गलती लो. मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो. मैं बस्ती का हस्ती ब्रो अमीर में हो गया गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को भड़वे कर रहे नकली शो. मेरा रैपर नहीं गैंगस्टर है तू रैपर नहीं डांसर है एक्टिंग तू कर रहा रावा सफर तू शायद से एक्टर है मैं जाने का दोस्त लोग के मैटर में. इज दिस अ शॉट तू रैपर नहीं एक्टर है. अगर आपको भी लग रहा है ये शॉट है किसी के ऊपर तो बताना. कर रहे नकली शो मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है तू रैपर नहीं डांसर है एक्टिंग तू कर रहा रावा सफर तू शायद से एक्टर है मैं जाने का दोस्त लोग के मैटर में. देखो मारने का मन भी नहीं कर रहा सड़ेला कैंसर है तू. देखो इसलिए मैं लेके नहीं जाता वो किधर भी क्योंकि ब्रो फचड़े तू. ये शिमड़े को बता रहे अपन किधर से आ रहे हैं किधर को जा रहे ये बस्ती में पका रहे ये लंड के वाले को लंड पे मारे अस्तानी बोले फकड़े लेके जाएगा तेकू मैं भगा के तेरे बाजू वाले मेरे गाने बजाते मेरे को मालूम ना एड़ कैसा भगा दे. यार तू तबला मजे का लग रहा है लड़का नहीं आयला मैं बस्ती से मेरे को बोल दे बस्ती का हस्ती मैं गरीबी से आयला ब्रो बॉम्बे की पब्लिक में बोलने की शान से ना बच्ची मेरे गानों पे घर हाथ नहीं वर्दी मेरे शो पे नहीं वर्ड की कर दी मेरे मालूम ना किधर पहुंच जाती मेरे दोस्त लगे हाथ का इशारा नहीं चिल्लाना ज्यादा मैं बस्ती का हस्ती मैं मालूम का किधर से आता पीछा हूं बेबी मैं तुम लोगों को अच्छा सिखाने लाए भाई आने दो बेटी ये लंड का वाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो. मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो. मैं बस्ती का हस्ती ब्रो अमीर में हो गया गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को भड़वे कर रहे नकली शो. यो मैंने बोला खुद को अल्दा शेक तू तेरा देख वेस माय शेक्स वे माय जेस नाउ दे से यू हैव माय नेम फक दैट फेम यूज योर ब्रेन से योर लेन अब डोंट से नोबडी नो माय पेन. मैं बोल रहा सच मेरे सच से बच मैं बोल रहा हिंदी हिंदी मेरी शॉर्टी जब लगाती बिंदी मेरे को गोली ने खाने का नीम की मैं क्लब में जब कर रहा एंट्री जय सच्ची में हो रही ली एंट्री मैं झाड़ पे कभी चढ़ता नहीं पंछी तेरा तीन दिन जलाएंगा वन पीस मैंने घर दी गई पूछ मेरी गलती तूने चौकी में खा डाली बल्टी तुमको गांड ने आने की नहीं तब इसे कर रहा मैं रैप यो मैं दे रहा स्लैप मेरा विषय ने कैप तेरा जब करा फ्लैट तेरी जब करा सोच पहले मेरे तक कोच ये रांडा सब बोल रहे ले वीडियो में लो मैं पूरे में बसता ना ब्रो आई साउंड टाइम चोदना कर रहा हूं यू नो बी चांसिंग पिजाम बेबी से आता पिजाम माय बी चले में पैर मैं तुम लोगों को अच्छा सिखा रे लाए भाई आने दो बेटी ये लंड का वाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो. मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो. मैं बस्ती का हस्ती ब्रो अमीर में हो गया गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को भड़वे कर रहे नकली शो. सो भाई सबसे डोपेस्ट बीट मुझे इसकी लगी. ठीक है जो तबला पीछे बज रहा था ना वो उसकी एक अलग ही टेस्ट आ रहा था. बस्ती का हस्ती मतलब के रौनक है बस्ती की. सो आई होप कि यू लाइक माय रिएक्शन. इफ यू लाइक माय रिएक्शन तो फिर लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो कट करने वाला नहीं हूँ. ये लगातार चलेगी वीडियो. सो जाते हैं नेक्स्ट ट्रैक में जिसका नाम होने वाला है कल है मेरा शो. सो लेट्स गो. खबर आई रहेंगी कल है मेरा शो. कल है मेरा शो. कॉल मत कर बीच लीव मी अलोन एवरी ब्रो इज ना योर ब्रो. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है. मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस
आई थिंक ये वही पीछे इसकी बंदी से कनेक्टेड है, क्योंकि आई थिंक उसको पैसे के चक्कर में छोड़ गई थी। सही है, पैसे का खेल। सो अभी ये कह रहा है कि खबर आई होगी तुझे कल मेरा शो, क्योंकि अब मैं इतना फेमस हो चुका हूँ कि मुझे बॉर्डर पार भी लोग सुनते हैं जैसे कि हम लोग। सो सीन ये है कि देखो, आपके साथ तब कोई नहीं खड़ा होता कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो, ठीक है, तब सारे बोलते हैं भाई क्या ये वो। जब देख लेते हैं कि अगला बंदा कामयाब हो गया है तो फिर, अरे ये मेरा दोस्त है, तेरे को पता है ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ ये मेरे एरिया में रहता है, ये व्हाट द फक, मतलब क्या ये क्या है। असल दोस्त तस्वीर में साथ खड़े होने वाला नहीं होता, असल दोस्त मुश्किल में साथ खड़े होने वाला होता है। मैं को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी गर्दा नहीं किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में, कल छोना मैंने ग्रीस, देखो तेरे एरिया में करा मैंने छी, ए ये मेरी बात हो रही फिर, टाइम पास नहीं करता मैं, देखता नहीं रिस, नो नो मैं गाने में लिखूं मेरा पेन, बोलूं देखो तेरे साथ वाले लें, खुद को देख के मेरे आंखों से आते नहीं आंसू, हम लोग पेनलेस खबर आई रहेगी कल मेरा शो, कॉल मत कर विश लीव मी अलोन, एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी करता नहीं किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में, तू मेरी जिंदगी में आई लगी दलिंदे, अरे भी जो भी मर गए तो देखो, मालूम तूने मेरे साथ में गलत करी, उस दिन मालूम पड़ा दुनिया है को, खबर आई रहेंगी कल मेरा शो, 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 कॉल मत कर विश लीव मी अलोन, एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी करदा नहीं किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में। यार इसकी बीटें बहुत आला हैं, पियानो ही है, गिटार है, पियानो लग रहा है। कल है मेरा शो, कल है मेरा शो, अच्छा राइट। यार इस बंदे की बीट है ना बहुत अलग है, लाइक डिफरेंट, और रैप तो लाइक न्यू स्कूल, आई थिंक जितना मैंने देखा है ना, न्यू स्कूल इसने ही शुरू किया है इंडिया में, अब पाकिस्तान में भी चलने लग गया है। सो बहुत अच्छा ट्रैक था ये भी, और नेक्स्ट ट्रैक जो होने वाला है वो है कोलैबोरेशन, जिसमें है इक्का। सो उसका नाम है माँ बाप, वो ट्रैक तो फिर यकीनन डोब होने वाला है, बिकॉज इक्का भाई जब लिखते हैं स्टोरी टेलिंग या फिर मतलब किसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उनकी लिखाई और ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। तो जाएंगे ट्रैक में, जो कि आई थिंक 7 ट्रैक है, लेट्स गो। कीपैड वाला स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, यार भाई को भी थोड़ा तमाम डिजिट फोन्स पर जैज कैश जैसी एप्लीकेशंस और फ्री जैज कॉल्स के साथ प्रो फोन्स पर पाएं व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जैज सुपर फोन। ये गाना मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड के लिए, मैं वो यू नो हम था गाड़ी के पीछे, लोग लिख रहे ले मॉम डैड शादी के बाद उनको निकल रहे घर से, माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरी भूखे वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के, हाँ मेरी सोती नहीं बाप मेरा टेंशन में जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे, माँ बाप की कीमत ने तुमको एक औरत के लिए। और आई एम ऑफ दिस ट्रैक, मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब क्या बात बोली है बंदे ने यार। मतलब मेरे साथ भी ये सीन होता है, ठीक है, मैं अगर कहीं गया हो तो ना, या मतलब फार्म हाउस वगैरह या कहीं भी गया हो तो, अब माना कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, बट फिर भी
मेरी मेरी माँ तब तक नहीं सोती जब तक मैं घर पे ना रहूँ, चाहे अगले दिन आऊँ या सुबह आऊँ, माँ जागती रहती है। और मैं मानता हूँ कि लाइक फादर जो होते हैं वो शो नहीं करते, बट दे ऑल्सो केयर। और हम भी मतलब उतना ही प्यार करते हैं, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ कुछ नहीं कर पाते। सो मैं उनमें से ही एक हूँ जो नहीं कर पाते एक्सप्लेन, बट आई ऑल्सो केयर। अपने माँ बाप को निकलते घर से, खुदा के बाद मैं रहता अपने माँ बाप को। हाँ नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को, सुन मेरी बात मान जाते जाना मस्त हो, कल घर मेरे को घर ते को कुछ लगा दो। फैन मेरा रहेगा तो माँ बाप को मान, फैन मेरा रहेगा तो सुन मेरी जान, माँ बाप को तकलीफ मत दे मेरे लिए, हीरोज लोग तुम्हारे भर ले कान, अपन का बना मैं सलमान खान, ज्यादा पेरेंट्स को पसंद है माँ, माँ बाप ने बचपन से करा तेरे लिए, और एंड ऑफ द डे तूने क्या दिया माँ, दोस्ती तुम करते पर नहीं पाता मैं, दोस्तों के वजह से ये भी देखा, बचपन में सीढ़ी से गिरा था मैं, स्टॉप दिस बुलशिट प्ले जाऊँ, दुरान में लिखे लकर मत तू गिर बस, बुढ़ापे में लकड़ी बनकर उनके गिर मत, सच बोलते आखिरी तक इसलिए तू चिड़ मत, इसलिए सब पूछ रहे लेगा रहेगा के फीचर, कुछ नहीं बनेगा तू बोलने के टीचर, माँ मेरी पर पढ़ के बोलने की प्लीज पर, लिखा मैंने वह लगाना मेरे यहाँ से शीट पर गाने, आने मेरे चरे गंगा में ना, ये लोग डिसलाइक निकाल रहे अभी तक, तू वो लड़की को छोड़ेगा तो अभी तक, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये असलिया, गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले माम लड़ो शादी के बाद उनको निकल रहे घर से, माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरी भूखे वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़े, माँ मेरी सोती नहीं बात मेरा टेंशन में, जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे, माँ बाप की कीमत नहीं तुमको एक औरत के लिए, अपने माँ बाप को निकलते घर से, लगे बाद में रखता मैं माँ बाप को, नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को, सुन मेरी बात माम जाते जाना मस्त हो, कुछ लगा दो। बुरा हूँ मैं, बुरा हूँ मैं बहुत बुरा, जो कि माँ बाप की ना कभी बात सुना, माँ बाप को गाली की है बहुत गुना, माँ बाप को गाली की है बहुत गुना, ये दर्द जब भी बड़ा मेरा दो गुना, तब माने दिया प्यार मुझे 100 गुना, आधी रात को भी रोटी मुझे गरम करके, ये सब याद करके आज रात रो पड़ा, घर पे नशे करके कई बार जिसे तोड़ी, माँ का दिल उम्मीद बाप की भी शामिल थी, कई बार हुआ घर में कलेश, निकम्मे की वजह से मेरी बहने मुझसे माँ के कदमों में जन्नत है सुन्नत है, मिन्नत तू कितनी भी कर ले, हाँ माँ नहीं मिलती रिश्ते मिल जाते हैं लाखों, माँ की दुआ माँ के हाथों का जादू। जो बात है यार, दिस ट्रैक डिजर्व मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियन व्यूज। बहुत प्यारा ट्रैक है यार, बहुत प्यारा ट्रैक है। MC Stan का वर्स भी बहुत आ रहा था, सच्चाई बयान कर रहा था, और इनका तो आग लगा दी भाई। उम्र माँ को लग जाए, माँ से पहले मैं मर जाना चाहूँ, मैं मर जाना चाहूँ, मैं मर जाना चाहूँ, पूरे बचपन मेरी बाप से लड़ाई, उसी बाप से जिसने ये दुनिया दिखाई, बिना सोचे पेट टाली सोने की अंगूठी, और मुझे पहले उसने मेरी साइकिल दिलाई, उसी बाप को शराबी बोलू गानों में, शर्म हया गुम कहीं गुम, पूरे कर्म फिर भी जिंदा इनकी दुआ दोनों, भगवान जैसे कुन फाया कुन, गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले माम लड़ू शादी के बाद उनको निकल रहे, कुन फाया कुन। यार बहुत आला वर्ष दे गया एक का यार, दिस इज़ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम। और ट्रैक भी बहुत आला थे, सही है बाकी, बट ये ट्रैक का मुकाबला नहीं है और ना होगा, बिकॉज जहाँ माँ बाप आ जाए ना, वहाँ दुनिया की कोई चीज़ और नहीं पहुँच सकती। माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मेरी भूखे वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के, माँ मेरी सोती नहीं बात मेरा टेंशन में, जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे, माँ बाप की कीमत नहीं तुमको एक औरत के लिए, अपने माँ बाप को निकालते घर से, खुदा के बाद में रखता मैं माँ बाप को, नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को, सुन मेरी बात माम जाते जाना मस्त हो, घर में को घर ते को कुछ लगा दो।
ये ट्रैक ने दिल जीत लिया यार। बस मतलब जितना भी लिख लो आप माँ बाप के ऊपर कम है, जितना भी लिख लो। सो फिर ये सोच लो कि यार देखो माँ बाप आपसे इतना प्यार करते हैं, तो वो जो ऊपर जात है वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आपको। ओह आई हैव नो वर्ड्स। तो नेक्स्ट ट्रैक में जाते हैं फौरन से और चेक करते हैं, उसका नाम है रिग्रेट। और लेट्स गो, 3 2 1। करता मैं अपनों में गेम, दिखा मैंने इतना कि खत्म हुआ पेन। सब या भी आज ना भी दे घर माँ दबरो या भी असलियत में, जिसने मेरा फील करा पेन फेमस होने के लिए मेरा यूज करने। ये बज गाने बज रहे सेम, दूसरे की बोला दुकान दे पहले, टेंशन में मारे ला सीक्रेट मेरे को फुल हो रहे ला रिग्रेट। कान में तेरे बोला था सीक्रेट, देखो मेरे बारे में पूछ रहे, अंग्रेजन में कंट्रोल कर रहे दूर से, लोग मेरे को देखते क्यों घूर गए, दूर है रिश्तेदार दूर गए, मेरे दोस्त कैसे क्या भूल गए, सुनते छोटे बच्चे में स्कूल के, जनरेशन आप में कैसे भूल गए, काटे थे गुलाब के फूल पे, गाने लेकर नींद में से उठ गए, रैप करने वाले सब छूट गए, रैप करने वाले सब रुक गए, लड़की के लिए ये घर टूट गए, मंजिल का रास्ता नहीं पूछता, घर था मैं अपना मैं गए, जगह मैंने इतना की खत्म वहाँ पे। सही बात है, घर घर बसाने में और तोड़ने में औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो ये एक लड़की पे होता है कि वो घर को कैसे जोड़ के रखती है और कैसे तोड़ देती है। सब या भी आज ना भी दे घर माँ तो ब्रो या भी असलियत में इसने मेरा फील कर अबे फेमस होने के लिए मेरा यूज़ करने। ये बज गाने बज रहे सेम, दूसरे की बोला दुकान दे पहले, चले लोग चाहते मेरे शूज में, लिखे ले सब चीज़ें बुक में, मेरे गाने काम है दुख में, तेरा भाई भी जीता शूट में, बता गोल हो गले मंडल के, कभी भी मर सकता संभल के, सुबह जरा उठते जा फजर में, रंडम ने पूछा मेरे कंबल से, मेरे माउंटर ने अच्छे दिए संस्कार, लेकिन दुनिया में हॉटलेस बना डाली, दुनिया का कुछ नहीं है सोच मां चार लोग का सोच जो पीढ़ी आ गया आने वाली, बस मेरा इशू मेरे को ट्रस्ट पे भी ट्रस्ट नहीं है, इंसान तो छोटी सी बात आ रही, छोटी सी बात आज मेरे को रिग्रेट होता मैंने क्या करा, किसके रात को नहीं नींद आ रही। सो भाई आप लोग बताना आपको ये ट्रैक कैसा लगा। नेक्स्ट ट्रैक का नाम होने वाला है वन डे यू गोना पे। सो इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है, कि पहला मतलब ये है कि मतलब जो आपने जितनी हसल की है, स्ट्रगल की है, वो आपको उसका नतीजा मिलेगा, ठीक है, पहली तो ये। और दूसरी, आपने जितना लाइक किसी के साथ बुरा किया है ना, तो आपको भी एक दिन उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये दो मतलब है। आप गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा कि एमसी स्टैन ने ट्रैक का नाम ये क्यों रखा है। सो जाते हैं सॉन्ग में, लेट्स गो। I come through the fog like Michael Frey.
Patty. I iced up my chain, I got new baguette. This bitch is the E, you ate her spaghetti. I'm popping my shit, you niggas ain't ready. I'm flexing on niggas to show. You speak Hindi? इसका दूसरा वाला मतलब है कि मतलब आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो क्या आपको क्या लगता है आपके साथ नहीं होगा और आपके साथ भी होगा बेटी। गलती मेरी थी मेरे को मालूम लेकिन क्या करूं बोल मेरे को लगा तेरा दिल रहेगा सा पर जाने किस पे लेके डाला मेरे हाथ में मेरे पेट की नहीं जरूरत मेरे घर में पाला सा किस वगैरह सबकी नहीं दिया किसको दम की नहीं झेला मैंने किसकी नहीं बनाए किसको बा मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले गाना पे मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले मैंने बोला तेरे जैसे रहते मेरे शूट पे एक बार तू याद रख मैं चाटता नहीं थूके भूल नहीं सकता मैं ते को कभी भूल गए अभी रहता अकेला मैं सब लोग मेरे को ढूंढते गाना देखो पसंद नहीं तू चेंज कर प्यार देखो पसंद नहीं तू हेट कर कर्मा होता ब्रो थोड़ा वेट कर हट करी फिर से उसने आज मैंने छोड़ डाला ना प्यार इतना गहरा उसको आया मास लॉयल नहीं कौन इधर गया मेरा फोन किधर पूछी भाई कच्ची नहीं होने वाला माँ हट करी दूर है मेरे क्यों मैंने कर दिया जावे वो बरवाले गाली गाने देखो गलती मेरी थी मेरे को मालूम लेकिन क्या करूँ बोल मेरे को लगा तेरा दिल रहेगा सा पर जाने किस पे लेके डाला मेरे हाथ में मेरे पेट की नहीं जरूरत मेरे घर में पाला सा किस वगैरह सबकी नहीं दिया किसको दम की नहीं झेला मैंने किसकी नहीं बनाया किसको पा मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले गाना पे मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले समझते नहीं क्यों मैं बोलूंगा कुछ नहीं क्योंकि मेरे को समझेंगी नहीं तू अल्लाह माफ करे तुमको कितना बोलते झूठ तोड़ने के लिए बना चाहते इधर बात मेरी समझते नहीं जो बोलोगे भोंडे इन्फ्लुएंसर नहीं ये लोग रील्स बना रहे सॉन्ग्स पे 6 साल का एक्सपीरियंस है कौन भी लेगा जॉब पे वो एक्स नहीं थी वो मेरी थी फियांसे पहली ऐसी लड़की थी वो जिसको मिला है मॉम से मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता मेरे सॉन्ग्स में दिल या फिर दिमाग ले मैं फिगर आउट दिस फॉर प्ले ये इतने लोग जीते नहीं ये शान को काई को तो मुझे भी अभी पता चला है कि मतलब आखिर क्या ही दिया एमसी स्टैन ने ऐसी लड़की थी वो जिसको मिला है मॉम से मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता मेरे सॉन्ग्स में दिल या फिर दिमाग ले मैं फिगर आउट दिस फॉर प्ले ये इतने लोग जीते नहीं ये शान को काई को मानते उसने पूछा बुआ इज दैट ट्रू मैंने बोला देयर इज फ्यू लेकिन तेरी कसम मैं नहीं करता बात ना मॉम कंफर्टेबल करती मेरे को तू फोन स्पॉट के ना वा दू किस कर दे टाइम गोली मेरी या हार्ड करे तूने मेरे को यू मेरे कैसे आ जावे हो बर्बादे का ठिकाने देखो मां गलती मेरी थी मेरे को मालूम लेकिन क्या करूँ बोल मेरे को लगा तेरा दिल रहेगा साफ और उसने किस पे लेके डाला मेरे हाथ में मेरे पेट की नहीं जरूरत मैंने घर में पाला सांप इस वगैरह सबकी नहीं दिया किसको दम की नहीं झेला मैंने किसकी नहीं बनाए किसको बाप मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले गाना पे मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले गाना पे मेरे को मश्करी मिले मुझे गाना पे ले ले गाना पे सो ये ट्रैक भी बहुत आला था यहाँ मतलब मतलब एल्बम जैसे जैसे एंड हो रही है और ट्रैक्स बहुत
ओपी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रैक होने वाला है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। जाते हैं फिर ट्रैक और चेकआउट करते हैं कि किस बारे में, कौन सी इंसानियत। आज के दौर में तो किसी में इंसानियत है नहीं, पर एमसी स्टैन क्या बयान करने वाले हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आने वाले हैं। हम लोग आना वैसे ही माने बेचते, मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस, मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, मत कर, वो काले रुका अलग रहता कल्चर, कल्चर आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर, कल पर सैनगो ने गूगल पे सर्च कर। यार बीच में से एक एक वर्ड ऐसा मार जाता है कि बंदा बोलता है बस क्या बोलिए, मतलब मैं आज नहीं छोड़ सकता कल पर। मैं वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता जो कहता है कल देखा, कल देखी जाएगी, मतलब कल देख लेंगे, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे। नो, करना है अभी करो वरना नहीं करोगे, कल पे छोड़ोगे कल पे अर्थ परसों पे जाएगा। करा मैंने इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया और वो पहला इंसान कौन था, आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का भरोसा, से मौत जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता, मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब से ढूंढता, दुनिया मतलब ही है। जब तक आपका मतलब है आप वहाँ हो, आपका मतलब पूरा हुआ, दोस्त है, रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है, कट लेगा आपके पास, आप कौन तो मैं कौन। जब तक पैसा है तो और जानी कैसा है। सोच के ये शब्द अपना दिमाग सब सोच के, इंसानियत को योगदान दिया वो लोग कौन थे, डोपामाइन रिलीज होते खड़े होते रोंगटे, सिक्स क्लास में मालूम गिरा बच्चा होता सेक्स से, इन लोग ने चालू करा लगेज मेरा देख के, पांच मिनट में भूल जाते जिसको करा फोन पे, करा मैंने सबके लिए दिखा था नहीं बोल के, लेकिन करना चाहता लेकिन कैसे करूँ मैं, प्यार बीच में आता है इसलिए प्यार करूँ मैं, पढ़वे देखो मालूम नहीं तू औकात मेरे, लड़की पे लिखते नहीं तू मन गए ले गए, ये हार्टलेस दुनिया में क्या करूँ मैं, बेटा जो गली है पन प्रे करूँ मैं, लोग मेरे को बोलते मेरे भी गाने आते ले, ये ले ब्रो एल्बम और सुनते भरे। Out, baby. No more dog. Fuck yeah. The gas, you know. Fuck yeah. Beat kaisi pyari hai.
सो गाइस, यहाँ एल्बम हुई तमाम, और आप लोग बताएं कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा था। मेरा तो फेवरेट ट्रैक ठीक है पहला फेवरेट ट्रैक है मेरा, मतलब जो जिस ट्रैक का कोई मुकाबला नहीं है वो है माँ बाप। ओके, फिर उसके बाद वन डे यू गोना पे ओपी, देन बिच, फिर हाउ टू हेट, फिर कल है मेरा शो, फिर इंसानियत कल है मेरा शो और रिग्रेट से ऊपर है, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताएं कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, उसके बाद बाकी सारे सेम थे, मतलब लाइन से सॉरी यार मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। सो सीन ये है कि ये एल्बम तो अभी चलने वाली है दबा के, तो आप लोग बताएं कि आपको कैसे लगे मेरे रिएक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखना, और एमसी स्टैंड भाई को बहुत सारा प्यार देना, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो आप एमसी स्टैंड के पास देख के आए होंगे या उसके फ़ैन होंगे तभी मेरी वीडियो पर क्लिक किया। सो आई होप कि यू लाइक माई रिएक्शन। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो पीस आउट, लव यू फ्रॉम योर फेवरेट 10 स्टार स्क्वाड।